इसी बात पर हम करेंगे चर्चा। सौरभ गांगुली, किरण मोरे साहब, मदन लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विक्रांत गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सौरभ गांगुली जी, आपके पास आते हुए, डर के आगे जीत है लेकिन जिद के आगे जीत नहीं होती है, सिर्फ हार होती है। सवाल यह है कि आप एक बात पर अड़े हुए हैं, 3 वर्ष हो गए हैं, 14 टेस्ट मैचेस, हार के बाद हार, और आप बता रहे हैं कि खाना में जी नमक कम है, क्या है, नहीं है, वो नहीं है, क्रिकेट आप हमें समझा रहे हैं, देश को समझा रहे हैं क्रिकेट है क्या है, लेकिन सवाल यह है कि आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि उंगलियां आपकी तरफ हैं। सौरभ गांगुली जी, देखिए समझ तो जरूर पा रहे हैं क्योंकि 14 में से 12 टेस्ट मैच हारे और बाकी 2 टेस्ट मैच ऐसी स्थिति पे थे कि जहां हार सकते हैं, लेकिन कभी कभी कप्तान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपनी अपनी टीम को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी आप हर चीज़ नहीं कह सकते और आपकी अंदर की जो फीलिंग है उसको आप बाहर दिखा नहीं सकते। तो ये मैं धोनी का ये जो स्टेटमेंट या जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी एक्सेप्ट करना भी सही होता है कि ठीक है, हम अच्छे खेले नहीं है, हम कोशिश किए हैं, हम एक बेहतरीन पारी के सामने ये टेस्ट मैच नहीं जीत पाए क्योंकि ब्रेंडन मकलम और वॉटलिंग और निशम जो ऑलराउंडर है उन्होंने जो प्रेशर पे पारी खेली है ऐसे पारी हिस्ट्री में कम देखा जाता है। मुझे याद है 2001 में वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने ऐसे पारी खेली थी ईडन गार्डन्स में, और उसके बाद मैं ऐसे पारी देखा हूँ और सिमिलर सिचुएशंस थे टेस्ट मैच के। मैं अभी भी शायद सोचता हूँ कि मकलम ने डिक्लेरेशन करने में थोड़ा देर कर दी, लेकिन फिर भी वो अलग बात है। ये इस टेस्ट मैच तो बहुत बेहतरीन पारी से ये टेस्ट मैच रुका है, लेकिन धोनी को अपनी ओवरसीज रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। वो बहुत ही खराब हो गया है, जितने वनडे में उनकी रिकॉर्ड अच्छा है टेस्ट क्रिकेट में भारत के बाहर ओवरसीज रिकॉर्ड उतना ही खराब है। सौरभ गांगुली इंडिया में जीते हैं। सौरभ गांगुली जी, मैं तो एक सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, और वो सीधा सवाल ये है कि क्या कप्तानी से अब महेंद्र सिंह धोनी को जाने का वक्त आ गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये वही क्रिकेट है जिसमें कपिल देव को कप्तानी से हटाया जा सकता है, सुनील गावस्कर को हटाया जा सकता है, सौरभ गांगुली को हटाया जा सकता है, सचिन तेंदुलकर को हटाया जा सकता है, तो ये जो नाकामियों का सिलसिला है इसके रहते हुए और कितने दिन? देखिए अलग अलग सिलेक्टर्स की अलग अलग सोच है, भारतीय क्रिकेट की समय भी बदल गया है। पहले जैसे आप एक दो हार के बाद आपको बाहर किया जाता था, कभी कभी बिना हारे भी आपको बाहर किया जाता था, लेकिन वो समय चेंज हो गया है। कप्तान को एक ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाता है और महेंद्र सिंह धोनी जैसे कप्तान जिसने भारत के लिए सक्सेस लाए हैं वनडे क्रिकेट में हो, भारत में टेस्ट क्रिकेट में हो, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में हो, तो ये डिसीजन शायद आसान नहीं है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि एक साल बाद वर्ल्ड कप है, इस समय शायद महेंद्र सिंह धोनी को बाहर का कप्तानी से ड्रॉप करना सही नहीं होगा। अगर वर्ल्ड कप नहीं होता एक साल बाद तो शायद लोग कह सकते थे और हम भी कह सकते थे कि सही होगा उनको इस समय कप्तानी से ड्रॉप करे, लेकिन जैसा मैंने कहा वर्ल्ड कप कितने जल्दी अगला दिसंबर जनवरी आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसी गलती हम 2007 में किए थे जहां चेंजेस किए थे टीम में। मुझे खत्म करने दीजिए, मैं खत्म करता हूँ फिर मुझे प्रश्न दीजिए। तो 2007 में हम इस स्थिति पे पहुंचे थे और हमारी वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस हमको पता था जब वेस्ट इंडीज हम गए थे। तो मेरे हिसाब से इस समय महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी से ड्रॉप करना सही नहीं होगा। सही टीम सिलेक्ट करनी पड़ेगी ओवरसीज टूर में हम जाते हैं और महेंद्र सिंह धोनी को भी देखना पड़ेगा कि मैं कैसे अपनी ओवरसीज कप्तानी ओवरसीज परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, क्योंकि वो जब इंडिया में कप्तानी करते हैं और ओवरसीज जब कप्तानी करते हैं बहुत फर्क है, और ये टीवी में भी दिखता है, आप दूर से बैठ के भी देख सकते हो कि कहीं कहीं वो फील्ड प्लेसमेंट सेटिंग्स ऐसे करते हैं जिससे कि आप मैच जीत नहीं सकते। आप 450 रन से आगे हैं और आप ना स्लिप लगाते हैं ना गली लगाते हैं, तो आउट कहां से करेंगे? बिल्कुल नहीं दादा, आप कह रहे हैं कि दो बातें आपने, एक तो कहा कि वर्ल्ड कप है 12 महीने बाद तो धोनी को कप्तानी से हटाना चाहिए, लेकिन हम तो टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, और ये भले ही एक तरह से रिवर्सल है, लेकिन मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया ने 2002 में यही फैसला किया, उन्होंने कहा कि स्टीव वॉ एक साल टेस्ट खेलेंगे वो कप्तान रहेंगे, लेकिन एक साल पहले वर्ल्ड कप के रिकी पोंटिंग को कमान दे देगी। अब या तो यहां पर हम बात कर रहे हो ना वनडे क्रिकेट की, फिर हम कहें नहीं विक्रांत वो अलग बात था क्योंकि स्टीव वॉ वनडे टीम में नहीं खेलता था ऑस्ट्रेलिया का, धोनी वो उसी वक्त ड्रॉप हुए थे वो उसी वक्त नहीं, दूसरा दादा आप कह रहे हैं कप्तानी भी गई वन जी जी पूछिए
नहीं, दूसरा आप ये कह रहे हैं ना कि टीम असली और सही चुननी चाहिए, लेकिन टीम कौन चुन रहा है? ये जो 2.5 साल से सिलसिला इंग्लैंड से शुरू हुआ, जनरेशंस तो चली गई। पहले हार के जिम्मेदार थे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, उसके बाद हार के जिम्मेदार हुए हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सहवाग, गंभीर। अब आपके पास खिलाड़ी कौन से हैं? अब कप्तान ही कहता है कि मुझे रविंद्र जडेजा को एक स्पिनर के तौर पर खिलाना है, उसके लिए तवज्जो ये नहीं है कि मैं हरभजन सिंह या फिर प्रज्ञान ओझा को खिला लूं, अमित मिश्रा मेरे पास है मैं उसको नहीं खिलाना चाहता हूं। तो ये तो कप्तान के पास जो असला है, कप्तान उसी को रोटेट कर सकता है। और मैं ये नहीं मान सकता दादा कि इस वक्त महेंद्र सिंह धोनी चयनकर्ताओं से जो खिलाड़ी मांगे उसे ना मिला जाए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने जिस खिलाड़ी के बारे में कहा कि मुझे ये टीम में नहीं चाहिए, वो खिलाड़ी इस टीम में नहीं है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जैसे आप कह रहे थे शायद एक साल पहले टेस्ट कप्तान रिस्पांस लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण है, एक ऐसा कप्तान जो कि तय कर रहा है एक एक चीज, फिर तो हार का आपको लेना पड़ेगा अपने सिर पर। देखिए दो प्रश्न विक्रांत, एक तो पहले वाला आपका स्टीव वॉ का इशू, मैं जल्दी बात करता हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है, इतने सारे लोग हैं, समय कम मुझे है। दो चीज, स्टीव वॉ का मैं बात कर, एक स्टीव वॉ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। स्टीव वॉ जब कप्तानी से ड्रॉप हो चुके थे, वनडे टीम से भी ड्रॉप हो चुके थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का ये नहीं होगा, क्योंकि एक तो वो वनडे टीम के कप्तान रहेंगे, क्योंकि वनडे क्रिकेट में इस टीम में बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है महेंद्र सिंह धोनी, और वर्ल्ड कप तक वो कप्तान बनेंगे। अगर इस समय आप उनको टेस्ट टीम से कप्तानी से ड्रॉप कर देंगे, उनकी टेस्ट की बाहर की जो बैटिंग है, हो सकता है कि शायद कोई दूसरा आके रन बनाए। और मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरसीज बैटिंग में इंडिया की बैटिंग नहीं, तो वो मेरिट पर होना चाहिए ना। स्टीव वॉ भी मेरिट पर वनडे टीम से बाहर हुए थे, तो धोनी मेरिट पर ओवरसीज टेस्ट टीम से बाहर क्यों नहीं हो सकते? सौरभ बहुत लंबा वक्त है, बहुत लंबा, एक घंटे की बहस है ये सौरभ जी, एक घंटे की बहस है, बहुत सारे बुनियादी सवाल है जो उठ रहे हैं। किरण मोरे साहब, फौरन ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगी, ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे, ब्रेक के बाद आऊंगी, मदन लाल जी आपके पास भी आऊंगी, बहुत सारे अभी तो बुनियादी सवाल है। धोनी का करिश्मा खत्म, अब सवाल यही कि कब तक वो रहेंगे। और तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो क्रिकेट जगत के दिग्गज हैं, पूर्व चयनकर्ता किरण मोरे साहब हमारे साथ हैं, बहुत क्रिटिकल पीरियड पे जैसा कि विक्रांत बता रहे थे वो चयनकर्ता रहे हैं टीम के। मोरे साहब मेरा आपसे सीधे सवाल है, जो बात कह रहे हैं गांगुली जी उसी बात को आगे ले चलकर, वो कहते हैं कि अब वक्त कम है, एक साल ही है, तो ऐसे में ये फैसला ठीक नहीं होगा। हजार दलीलें मैं ऐसी देती हूं जो कि ये बताती है कि इस एक साल में ही अहम कदम उठाने जरूरी है, नायक अगर इस तरह का होगा तो टीम खुद ही पस्त और परास्त होगी। सवाल ये है कि आपको जिस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए आप उससे बिल्कुल विपरीत जाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं, अब इसकी जवाबदेही किसकी है और कौन बताएगा उनको खाना नमक नहीं है क्रिकेट? ये एक एक खेल प्रेमी देश का जानता है, पीसी में ये कहने की जरूरत नहीं है, छोटा करने की जरूरत नहीं है क्रिकेट को। देखिए इंडियन क्रिकेट में अभी ये जो टाइम है काफी क्रूशियल टाइम है, और जरूर मैं सहमत करता हूँ सौरव से, जो वर्ल्ड कप है बहुत क्रूशियल है हमारे पास, हमारे लिए, और जैसे परफॉर्मेंस करे इंडियन टीम, आप देखिए हर टेस्ट मैच हम लोग लास्ट डे पे आ रहे हुए, लास्ट दो सेशन में, लास्ट तीन सेशन में टेस्ट मैच आ रहे हुए। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो सिलेक्टर्स हैं, आई थिंक सिलेक्टर्स को आप देखिए को उनको जरा, जब जाते हैं टूर पे तभी सिलेक्टर्स भी टूर पे जाते हैं, हाँ। तो जरूरत है वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में, जहाँ पे इंडियन टीम विनिंग पोजीशन में है, और वहाँ पे आपके पास जो स्पिनर है, जो स्पिनर जिसने 100 विकेट लिए है टेस्ट मैच में, वो बाहर बैठा हुआ है, और अब कौन खेल रहा है? रविंद्र जडेजा खेल रहा है। तो आप देखिए ओवरऑल टेस्ट एनालाइज कीजिए तो आपका विकेट टेकर बॉलर है, आपके फास्ट बॉलर भी ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं, यही सवाल है ना मदन लाल जी, बिल्कुल मोरे साहब, जो आप कह रहे हैं वही विक्रांत कह रहे हैं, जो विक्रांत कह रहे हैं वही गांगुली साहब कह रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर कहने को तैयार नहीं है। तो मतलब अगर ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं गलत डिसीजंस हैं तो जवाबदेही तय होगी कि नहीं? मदन लाल जी जल्दी से मुझे खत्म कर दीजिए, सिलेक्टर्स है, सिलेक्टर्स को यहाँ पे इन्वॉल्व होना जरूरी है, जरूर आई थिंक कप्तान कोच हमेशा एक टूर पे जाता है, हमेशा एक टीम बनाता है, हाँ। यहाँ पे सिलेक्टर का भी थोड़ा से होना चाहिए कि भाई नहीं ये बच्चा खेलना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञान ओझा जब टूर पे जाता है मेरे लिए वो मैच विनर बॉलर है, रविंद्र जडेजा ओवरसीज टूर पे मेरा मैच विनर बॉलर नहीं है रविंद्र जडेजा, मुझे अमित मिश्रा मैच विनर है। आपको लास्ट डे आपको कोई स्पिनर विकेट नहीं निकाल सकता है आपके लिए, तो आप लोग टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। आखिर कब तक इन फैसलों को सिर्फ एरर ऑफ जजमेंट माना जाएगा? क्या जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? इसी बुनियादी सवाल से बहस आगे लिए चलेंगे। मदन लाल जी मुझे ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ा, फौरन लौट। धोनी का करिश्मा खत्म, ये लगातार बहस हम कर रहे हैं। मदन लाल जी आपसे मैं सीधा सवाल, वही सवाल जो गांगुली जी से मैंने किया था, कप्तानी में रहे या हटाने का वक्त आ गया है?
नहीं देखिए, 2011 से 2014 तक कोई अंतर नहीं आया भारतीय टीम में जो बाहर खेल रही है। और मेरे विचार से कि जो धोनी के जो आइडिया बिल्कुल स्टेल हो चुके हैं, जैसे किरण मोरे कह रहे थे कि उन्होंने जो है रविंद्र जडेजा को खिला दिया, इसी वजह खिला दिया, और इनडिफरेंट उनके जो है आइडियाज हैं, उनके डिसीजन उन्होंने लिए हैं। देखिए, हम टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, हम वनडे क्रिकेट की नहीं बात कर रहे हैं। आप कब डिसीजन लेंगे? आपको डिसीजन कहीं ना कहीं लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि टेस्ट मैच के कैप्टन अगर आप कहीं चेंज भी करते हैं तो एक नया कैप्टन को लाते हैं तो फ्रेश आइडिया भी तो साथ में आएंगे। देखते हैं कि अगर आप डरते ही रहेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, तो फिर आप ऐसे ही चलने दीजिए। फिर जब तक आप पहुंचेंगे वहां तक, 10 टेस्ट मैच और ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक पहुंचेंगे, तो 10 टेस्ट मैच और आपका काम जो है 5 इंग्लैंड 5 ऑस्ट्रेलिया। यहीं से पूरी चर्चा आगे लिए चलेंगे। सौरभ गांगुली जी, आपके पास भी और आपके पास भी किरण मोरे जी आऊंगी, क्योंकि ये तो साफ खड़े दिखाई दे रहे हैं किधर। दूसरी तरफ सौरभ गांगुली कह रहे हैं कि अभी वक्त नहीं है, लेकिन टेस्ट मैचेस की बात हो रही है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।